नाउ प्रिंस फ्रॉम पौड़ी, तुम लोगों की ऑन द डिमांड। देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे क्रिकेट और मैं रनिंग करके सीधा यहाँ आ गया। यार कुछ लोग भाई होते ना जो केयरिंग होते हैं, उनमें से एक है so, ये चीज है। सो हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बारिश हो रही है यार, शायद हाँ बारिश हो रही है। अभी 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे मैं उठ चुका हूँ। हाँ यार, तुम लोगों को एक अपडेट देनी थी। एक्चुअली यार ब्लॉगिंग में ना, मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, या सच नहीं दिखा रहा था। सच कैसे दिखाऊँ यार, कुछ चीज़ें बहुत सही नहीं चल रही हैं और वो चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता, है ना यार। कल रात भी बाइक से गिरा मैं, मतलब कहने में भी अजीब लग रहा है, बाइक से गिरा मैं भाई। चीज़ें जो सॉर्ट आउट हो जाएंगी ना, उसके बाद पक्का अपडेट करूँगा कि क्या चल रही है। बट यार ठीक है, लाइफ है, लर्निंग्स है, जो भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी सीख लेंगे। क्यों तेरे को कल लगी थी चोट? और यार पता है, मैंने पता नहीं दोस्त अच्छे बनाए हैं नहीं, बट ये है कि लाइफ में ना, मैंने जो मैं बच्चों के साथ रहता हूँ ना ज़्यादा, तुम लोग भी देखते होगे वीडियोस में बच्चों के साथ क्यों रहता है वो, भाई मैं नेचुरल है, वो वीडियोस के लिए नहीं करता। बट यार वो ना बच्चे कनेक्टेड है मेरे साथ। कल जब मेरे को ये सब हुआ, मैं यार दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने कहा भाई क्या है, छोटी मोटी चीज़ है, पर पूरा ये ब्लड लाइन पूरा ऐसे हो रहा था। मैंने कहा नहीं जाना भाई कहीं भी ऐसे। तो वत्सल है, कह रहा है यार भैया चलो मैं कर देता हूँ ये वो। मैंने कहा नहीं, इतना दिमाग में भाई कुछ और चीज़ें चल रही थी ना, अपने घर ले गया, खुद से करी ट्रीटमेंट। तो यार वो ये चीज़ें होती है कि भाई कुछ है मेरे पास लोग ऐसे जो सच में दिल से केयर करते हैं, मतलब कहने की बातें नहीं है, दिल से केयर करते हैं, वो अच्छा लगता है। ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई ना भाई, क्या बोलो। चलो यार आज बारिश हो रही है, मेरे को जाना भी है, देखते हैं अगर बारिश रुकी तो। फिलहाल तो जाके वीडियो एडिट करूँगा, वीडियो एडिट का टाइम होता है मेरा सुबह, मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद चीज़ें देखेंगे। सो चलो यार चलते हैं, चले चलो भाई। अभी शॉर्ट्स अपलोड कर दिए, बस लॉन्ग वीडियो पापा को छोड़ के आ रहा हूँ, तभी एडिट करूँगा। ये तो पहना भी नहीं जा रहा है चप्पल उप्पल, इधर देख के लग रहा बारिश आ जाएगी। बाइक बाहर खड़ी करना तो सही नहीं है, अंदर ही कर देते हैं, अंदर करते हैं, जब जाना होगा तभी निकालूंगा। डेली मैं बाहर ही छोड़ देता हूँ ना, क्योंकि जाना होता है ऑफिस। तो चले भाई खुद को टेस्ट करने, खुद के बिलीफ को बुलाने, चीजों को नए अंदर से करने। पैर में ये लगा हुआ है लेकिन स्विच पैर है, बाहर लेनी चाहिए। बाहर निकल के बात करते हैं, बाहर निकल गया हूँ भाई, ऐसे मौसम में निकलने का मन नहीं करता था, बट जा रहा हूँ रनिंग के लिए, क्योंकि एक चीज़ है ये दिमाग में, वही जाके बताता हूँ। रुकना तो यार, हरिद्वार में टेम्परेचर 16 डिग्री है, ठंड में रजाई से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। बारिश वाला हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश वाला मौसम है, मैं आया हूँ रनिंग के लिए, पैर में लगी है, आया हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरे को करनी है रनिंग। देखो कोई नहीं है इधर, कोई नहीं है, वेदर देख लो, क्योंकि यार इंसान हारता है ना तो यहाँ से हारता है जस्ट। चले खुद को टेस्ट करें, पहुँच सकता हूँ नहीं पहुँच सकता हूँ, ठंड हो रही है, मम्मी मना कर रही थी बाहर जाने के लिए। ये देखो पानी गंगा किनारे, सो सकते हो, ठंड में कितने बढ़ जाती होगी ना। मेरे को करनी आ रही चीज़ है ना, अब बात खुद के बिलीव की है कि
कितना मैं पहुंच सकता हूँ ना इन चीजों की यार। टेस्ट करते यार, बस ठंड लग रही है ना, उसको भी उतार के तोड़ेंगे, देखते कितना ठंड लग जाएगी, है ना। ये देखो ऐसे दौड़ेंगे भाई, टेस्ट कर देना दिमाग को कितना ठंड बर्दाश्त कर सकता है। कंप्लीट हो गया भाई, नहीं लग रही ठंड, कुछ नहीं हुआ, कहने की बात होती है ठंड लग जाएगी, कुछ नहीं हो। देखो अभी दौड़ गया है ना, तो ये ठंडे पानी में मैंने सोचा क्या नहा सकता हूँ यहाँ पे अभी, तो मन में आया कि हाँ एकदम मतलब इजी है, तो इसलिए नहीं नहा रहा हूँ। अगर जिस दिन लग गया ना मेरे को कि दौड़ के आने के बाद या फिर कुछ भी करने के बाद ठंड लगेगी या नहीं नहा सकते, उस दिन जरूर नहाऊंगा, उस दिन जरूर नहाना है यहाँ पे, रात को मन करे कभी भी मन करे, अभी मन से जीतना है यार। तो फिलहाल तो मन कर रहा है भाई ठीक है इजी है कर लेंगे, तो इसलिए नहीं करो। तो भाई 9:30 हो गए, अभी लगता है मेरे को चलना चाहिए यार, रनिंग हो गई, इधर घूम भी लिया, थोड़ी देर बैठ भी लिया, अभी ऑफिस के लिए निकलना है, तो चलना चाहिए यार घर। इधर कूड़े वाले भाई साहब आ गए, आए थक गया भाई, नहीं थका, बहुत स्टेमिना है। प्रिंस फ्रॉम पौड़ी, तुम लोगों की ऑन द डिमांड। देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे क्रिकेट और मैं रनिंग करके सीधा यहाँ आ गया यार। कुछ लोग भाई होते ना जो केयरिंग होते हैं, उनमें से एक है यार। पोछे पे सूज उतारने का मजा ही कुछ और है। मुँह देखो मुँह, मम्मी चप्पल तो उतारना ही है। भाई ये उतारने पड़ेंगे, देखते हैं हालत कैसी है। मेहनत का कोई आप बोलिए, वीडियो में बोलिए। पैर दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं। हाँ अच्छे खेल रहे हैं गेम वही वाला, और मैं और प्रिंस बैठे इधर। भाई ठंड घटने का नाम नहीं ले रही है, भाई खेलने का मन नहीं कर रहा है, और घर में भाई बोर ही हो जा रहे हैं, तो बस हम बैठे हैं। शाम को जिम जाऊंगा और चिल मारेंगे। अभी इसकी गर्लफ्रेंड की बात है पूछ रहा हूँ, चार चार गर्लफ्रेंड है पौड़ी में। चौथी वाली का नाम क्या है भाई? कुछ नहीं है। तीसरी का? कुछ नहीं। दूसरी का? पहली का? कोई नहीं। अरे हाँ कोई नहीं। अरे तुम्हें लगता है इसकी शक्ल देख के कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी? है भाई है, बताते नहीं है ना लोग, कुछ लोग दूसरों की गर्लफ्रेंड ले जाते हैं। ये उनमें से एक लगता है मुझे। भाई हालत ऐसी हो गई है, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। सो जाओ तुम लोग भी यार, गुड नाइट। गया जिम, कुछ नहीं फॉलो किया, यहीं पे करते हैं इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो भाई अभी आया हूँ, कितने बज गए, 7 बजे, नहा के ठंडे पानी से, ठंड के मौसम में सुकून मिल रहा है थोड़ा नहाने के बाद ना, अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अब मस्त सोऊंगा यार मैं।